ताज्या आणि सुपर फास्ट बातम्या पाहण्यासाठी स्वराज्य न्यूज मराठीला सबस्क्राइब करा आणि बेल बटन प्रेस करा। स्थापत्य समिती सभापती तथा प्रभाग 20 नगरसेविका अनुराधाताई काटकर यांच्या स्थानिक विकास निधीतून 18 लाख रुपयांच्या रस्त्याचे उद्घाटन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कार्याध्यक्षा तथा शहर मध्येच्या आमदार प्रणिती शिंदे यांच्या शुभहस्ते करण्यात आले। यावेळी प्रभाग 20 ज्येष्ठ नगरसेवक मौलाली सय्यद, बाबा मिस्त्री, नगरसेवक प्रवीण निकाळजे, नगरसेविका परवीन इनामदार यांची उपस्थिती होती। यावेळी प्रमिला तुपलवंडे, मीरा घटकांबळे, भाग्यश्री कदम, भीमाशंकर टेकाळे, व्ही डी गायकवाड, रमाकांत साळुंखे, इम्तियाज वळसंकर, बेलीफ सतीश ईश्वरकट्टी, बंडू हरवाळकर, लक्ष्मण खाडे, लखन वाघमारे, संजय सुरवसे, शरीफभाई, नदाबभाई, श्रीधर काटकर, जकरिया सय्यद आदींची उपस्थिती होती। कभी से भ्रष्टाचारी प्रेरित थे, आगे जाके हम लोग आपके साथ हैं, सुख दुख में शामिल हैं और इंसान रिश्ते बनाना कांग्रेस के लोग जानते हैं। जबकि दूसरे लोगों से अगर भूल ना की जाए तो दूसरे लोग से आते हैं, आपसे वोट मांगते हैं, उसे सत्ता में आने के लिए आपके पास आते हैं और फिर चले जाते गायब होते हैं। जैसे मोदी सिर्फ 1 साल देखकर दिखाई देता फिर गायब होते। आज हमारे देश में 1 साल कोरोना की वजह से इतने लोग मर गए केवल मोदी के वजह से। अगर पिछले साल पूरे काम किए होते, ऑक्सीजन बढ़ाया होता, बेड बढ़ाए होते, वेंटिलेटर बढ़ाए होते, दवाइयां बढ़ाई होती तो इस टाइम इतने लोग मर नहीं जाते। आज तेल घर पकाने का रुचि तेल भी दाम बढ़ गया है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। मुझे पता है कि आप लोग मोदी को कभी वोट नहीं देते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पार्टियां आपसे वोट मांगने को आती हैं और उनको जब आप वोट देते हो तो फायदा मोदी को होता है। तो मैं ज्यादा तो बोलने नहीं वाली हूँ इसके ऊपर, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि कौन काम करने वाले लोग हैं और कौन सिर्फ शोर शाही करते हैं और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे माहौल बना जाते हैं। अभी देखिए मिसाल के तौर पर, अभी कोई इलेक्शन नहीं है, अभी कोई इलेक्शन नहीं है।